नमस्कार, आज मैं लेकर आई हूँ समर अभियान प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की पूरी तरह से हूबहू सेम प्रशिक्षण, थोड़ी अच्छी तरह से एडवांस तरीके से और इस प्रकार ताकि आप उसे समझ सकें, क्योंकि यह प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम प्रशिक्षण की सारी बातें नहीं जानेंगे, समर अभियान के उद्देश्य को नहीं जानेंगे, यह किन लोगों के लिए ज़रूरी है यह नहीं जानेंगे और यह कब तक चलेगा इसे नहीं जानेंगे, तब तक समर अभियान सफल होने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। समर अभियान सफल हो और कुपोषण दूर करने में हम सहायक बने, इसके लिए हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह समर अभियान आखिर है क्या। समर अभियान यानी कुपोषण निवारण एवं अनीमिया कम करने हेतु रणनीतिक कार्रवाई। एक रणनीति बनाई गई है जिसके तहत हम समर अभियान के कार्य को अंजाम देंगे और यह झारखंड राज्य पोषण मिशन, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार की ओर से है। इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुपोषण हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। समर अभियान को हम इस प्रकार से जानेंगे कि झारखंड राज्य में कुपोषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यह सबको पता है। राज्य के लोगों की खुशहाली एवं प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हम इस समस्या से जल्दी निजात पाएं। इसी को देखते हुए झारखंड राज्य में कुपोषण निवारण के लिए 1000 दिनों की अवधि का एक योजनाबद्ध महाअभियान आरंभ किया गया है। 1000 दिन आप जानते ही होंगे, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक और उसके बाद उसके 1.5 साल के इंजेक्शन भी पड़ जाएं, उस दिन तक को हम 1000 दिन के अंतर्गत लाते हैं। इन दिनों 1000 दिन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि आप जान लें कि 1000 दिन आखिर है क्या और इसमें करना क्या है। यह अभियान कुपोषण के विरुद्ध एक युद्ध की तरह होगा, इसीलिए इसका नाम समर अभियान है। समर अभियान में अपने गांव के सभी घरों में जाना है, यानी समर अभियान के तहत राज्य में गांव-गांव से, घर-घर से कुपोषण एवं अनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियों, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी। इन चिन्हित लोगों की उनके निकटतम आंगनवाड़ी पर जांच की जाएगी और फिर अंततः कुपोषण एवं अनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियों, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं का उपचार करवाया जाएगा। यह स्क्रीनिंग की प्रतिक्रिया जो है, इस स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को प्रत्येक 3 माह पर दोहराई जानी है। ध्यान रहे, यह स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वह प्रत्येक 3 महीने पर दोहराई जाएगी। इसके साथ ही साथ ऐसे सभी घर जहां पर कुपोषण एवं अनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियों, धात्री एवं गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा जिनका कुपोषण निवारण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होता है। कुपोषण के खिलाफ झारखंड राज्य के इस समर में हम सब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइए हम समर अभियान और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से सीखें एवं समझें, जिससे इस अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके और हमारा राज्य कुपोषण से मुक्त हो सके। इसमें हम सभी को सहयोगी बनकर सहयोग करना है और हम सभी देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, आइए हम उसके विस्तार को जानते हैं और देखें कि क्या होता है उसका विस्तार। सबसे पहले हम देखें AANM,
एएनएम का मतलब क्या होता है? एएनएम यानी ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। सहिया, जिन्हें हम हर दिन अपने गाँव में देखते हैं, इन्हें सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं। कहीं यह आशा के नाम से भी प्रचलित हैं और इन्हें आशा के नाम से जाना जाता है। फिर है BMO यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जो पूरे ब्लॉक को देखते हैं। उसके बाद CDPO। CDPO का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और इसे हम बाल विकास परियोजना अधिकारी भी कहते हैं। STS। STS का मतलब होता है आंगनवाड़ी स्तरीय विशेष उपचार केंद्र, जो कि आंगनवाड़ी स्तर पर बनाया जाता है। DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर यानी जिला कार्यक्रम प्रबंधक। DSWO, हम कई बार सुनते हैं DSWO, लेकिन हम इसे जानते नहीं हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए आज हम जानते हैं इसका मतलब। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी। जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, वे सभी इन्हीं के जिम्मे होते हैं। फिर है DWCD यानी महिला एवं बाल विकास विभाग। एक वर्ड आता है FSAM, जो आजकल नया है, और नया इसलिए क्योंकि हम जानते नहीं हैं। अब हम इसे जान जाएंगे। FSAM का मतलब होता है फैसिलिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी अति गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन। GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी डिजीज होंगे या कुछ लक्षण होंगे, उसे हम GI के नाम से जानेंगे। IFA, इसे भी हमने बराबर सुना है। IFA टैबलेट कहते हैं। IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड। अब हम आजकल बहुत सुन रहे हैं SNCU बच्चों को रेफर करना है। SNCU का मतलब क्या होता है? SNCU का मतलब होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जहां स्पेशल न्यूबॉर्न केयर की जाती है। उसके बाद एक वर्ड है मैम, MAM, मैम यानी मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मध्यम गंभीर कुपोषण, जिसे हम देखरेख के बाद ठीक कर सकते हैं। MTC, MTC यानी कुपोषण उपचार केंद्र, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, इसे NRC के नाम से भी हम जानते हैं। OPD का नाम तो आपने सुना होगा। अब जान लें OPD का फुल फॉर्म क्या होता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोगी विभाग। हम जब अस्पताल जाते हैं तो हमें सामने ही लिखा दिख जाता है OPD, या फिर हमें दिखाना होता है, हम किसी से पूछते हैं कि डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, तो वे कहते हैं OPD चले जाइए। OPD यानी बाह्य रोगी विभाग। अब एक वर्ड है ORS, इसे भी सबने सुना है। अब इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी मौखिक पुनर्जलीकरण। चूंकि हम यह वर्ड बराबर बोलते नहीं है, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मौखिक पुनर्जलीकरण घोल यानी मुंह से देने वाली, जल को नियंत्रित करने वाली घोल। अब एक वर्ड है THR, इसे भी हम बराबर सुनते हैं, जिसका विस्तार या फुल फॉर्म होता है टेक होम राशन। फिर एक वर्ड है SAM, सैम, इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी अति गंभीर कुपोषण। जब अति गंभीर कुपोषण की स्थिति हो, इस वक्त हमें बच्चे को बिल्कुल बिना देर किए
रेफर करना बहुत ही ज़रूरी है और इसे हम एसएनसी यूनिट पहुंचा ही देंगे। फिर है एसडी, एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एसएनपी, एसएनपी इसका मतलब हुआ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पूरक पोषक कार्यक्रम, पूरक पोषक हार कार्यक्रम, यानी जो पोषाहार वितरण होती है वही है पूरक पोषाहार कार्यक्रम। VHSND, VHSND का मतलब क्या हुआ? VHSND यानी विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जिस दिन टीकाकरण किया जाता है और आंगनवाड़ी में राशन का भी वितरण किया जाता है, पोषाहार वितरण का दिन भी VHSND का ही होता है। एक और नाम जो हम बराबर सुनते हैं WHO, WHO की टीम आई है, WHO विजिट के लिए आई है, WHO ने ये कहा, WHO के अनुसार ऐसा सुना गया, WHO के अनुसार ये कहा गया, तो WHO आखिर है क्या, उसे भी हम जान लें। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर है IPC, IPC यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार। ICDS, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। उसके बाद है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम राशन दुकान या कंट्रोल रूम कहते हैं, कंट्रोल जाना भी कहते हैं कोई कोई आम बोलचाल की भाषा में, या कहते हैं कि PDS जा रहे हैं। PDS बहुत कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन जो भी व्यवसायिक भाषा है या फिर कार्यालयी भाषा है उसमें हम जन वितरण प्रणाली ही कहते हैं, और संक्षिप्त में उसे PDS कहते हैं, और इंग्लिश में उसका विस्तार है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर है MAA यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये कीवर्ड ऐसे हैं जो इस सत्र के दौरान, यानी जो वीडियो का सत्र चलेगा उसके बीच बीच में आएंगे, और इसे जानना हम सब के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अगला सत्र अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे बताए गए बातों को देखें, ध्यान से सुनें और समझें। यदि आपको समझ में आ रही हो, यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आगे के वीडियो बना पाऊंगी और यह ट्रेनिंग अच्छी तरह से दे पाऊंगी। वीडियो के साथ बने रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको पूरा जो ट्रेनिंग है वह दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि इस वीडियो पे आपको कोई कमेंट करना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इंतज़ार करूँगी। आप ध्यान से देखें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।